ओम शांति। स्वयं भगवान शिव ने इस धरा पर अवतरित होकर महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और इस स्थापना में जिन पवित्र और महान आत्माओं ने अपने जीवन को कुर्बान किया, यानी अपने शरीर रूपी अश्व को स्वाहा कर दिया, उनमें एक थी दादी जानकी जी, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा बाबा जनक कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अधिकतर समय विदेही स्थिति में रहती थी। योग युक्त ज्ञान चिंतन में मगन अपना सर्वस्व स्वाहा करने वाली दादी जी की आज पुण्य तिथि है। वे ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही अनेक वर्ष तक, और उससे पहले उन्होंने विदेशों में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाने का परचम फैलाया। वे एक ऐसी आत्मा थी जो इंग्लिश न जानते हुए भी अनेक देशों के लोगों को राजयोगी, पवित्र, सात्विक बनाने में सफल रही। अनेक ईश्वरीय वरदान उनके साथ थे, अनेक ईश्वरीय शक्तियां उन्होंने संग्रहित की थी, क्योंकि वो श्रेष्ठ योगिनी थी। मैंने उनको 52 ईयर्स तक देखा। मैं देखता था अपने चिंतन में रहने वाली, इधर उधर न देखने वाली, डीप साइलेंस की अनुभूति में रहकर चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाली ये महान आत्मा हमारे बीच में थी। हम अति गौरवान्वित थे ये देखकर कि ये महान यज्ञ, ये ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार ऐसी महान आत्मा से सुशोभित है जो परम पवित्र हैं, जो पूजनीय हैं, जो अनेक गुणों से संपन्न हैं। तो ऐसी महान तपस्विनी इस दिन पर इस संसार को छोड़कर सूक्ष्म वतन निवासी हुई, संपूर्ण फरिश्ता बनी विश्व सेवा के लिए। आज के इस दिन पर हम सभी ब्राह्मण परिवार अपने स्नेह और सम्मान पूर्वक श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। वो इस धरा पर जैसे कि अवतार थी, वरदान थी। ये महान आत्माएं संसार की ब्यूटी होती हैं। जब वो चलती थी तो चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े हो जाते थे उनकी एक नजर पाने के लिए। उनको चलता देख भी लोग प्रेरणा लेते थे कि फरिश्तों की चाल ऐसी होती है। उन्होंने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया। वे केवल बहुत अच्छी क्लास नहीं कराती थी, बल्कि जो कुछ कराती थी वो प्रैक्टिकल उनके जीवन में था। अंतिम एक वर्ष में जब उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और जब वो क्लास में पहुंचती थी तो बहुत ही पावरफुल रूप से कहती थी कि हमें अभ्यास करना है, मैं कौन, मेरा कौन। ये राजयोग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और अंत तक भी वो इसी स्थिति में रही। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने स्मृति स्वरूप होकर स्वेच्छापूर्वक इसी ईश्वरीय नशे में रहकर अपने नश्वर देह का त्याग किया। आज भी वो सूक्ष्म रूप से हमारे मध्य हैं। आज की उन पुण्य तिथि पर मैं अपनी ओर से, हमारे ब्राह्मण परिवार की ओर से उनको बहुत रिगार्ड, स्नेहपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और वे बच्चे रूप में जहाँ भी हैं, वहाँ उनका तेजस्वी चेहरा, वहाँ उनके पावरफुल वाइब्रेशंस, वहाँ उनके मुख की मुस्कुराहट निश्चित रूप से हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। ऐसी महान आत्मा को उनकी पुण्य तिथि पर सत सत नमन हो। ओम शांति।